हेलो फ्रेंड्स, हम इस क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे एक न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि जो हमारे एसर्टेन और रीजन वाले क्वेश्चंस है, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस है, वो पूछे जा रहे हैं। चाहिए, आज आप लोगों ने देखा होगा टीजीटी का एग्जाम थे तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि जो ऐसा और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो 100% आपके पेपर में आएंगे। तो ये क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। किसकी? असर्टेंस और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड कुछ आज हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर बताइएगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पूरे जो सब्जेक्ट वाला जो पैटर्न है उसमें से कम 7 to 8 क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। 100% श्योरिटी के साथ मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि एक न्यू पैटर्न है और सभी पे अप्लीकेबल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि केवीएस देगा ही देगा ये वाले क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम स्टार्ट करते हैं, तो देखिएगा क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं आपको। असर्टेन में बोला है, क्या बोला है देखो, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान। क्या बताया गया, जो मार्ग मैनेजमेंट है इसमें ये देखा जा सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि टारगेट्स पूरे हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान, एम्प्लॉइज आर हैप्पी, एम्प्लॉय खुश है, सेटिस्फाई, एंड देर इज ऑर्डरलाइननेस इंस्टेड ऑफ च्वाइस। ये क्या बताया गया है, असर्टेन। और इसका रीजन क्या बताया गया है कि एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैड डिफरेंट पर्पस फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच मेंबर वर्क टूवर्ड्स हिज पर्सनल गोल। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पर्सनल गोल के लिए वो काम करते हैं, तो इसका मतलब रीजन तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब ये चीज तो हमने देखी है कि मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। इसमें हम ये बता सकते हैं कि उसके अंदर काम करने वाले लोग अच्छे हैं, उनका प्लान जो बनाया था वो सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट अच्छा है। तो इसमें से हमें राइट आंसर देना है क्या, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बोथ ए आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्या किया मैंने, मैनेजर इज इन्वॉल्व इन एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टडी क्रिटिकल सिचुएशन एंड फॉर्मुलेट्स हिज ओन थ्योरी फॉर यूज ऑफ गिवन सिचुएशन। तो ये बात तो ठीक है कि जो मैनेजर है इन्वॉल्व होता है एक्टिविटी में, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन में, स्टडी करता है क्रिटिकल सिचुएशन को और फॉर्मुलेट हिज ओन थ्योरी फॉर यूज इन गिवन सिचुएशन, जो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल करता है। आगे क्या बोला है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन गिवन है वो ऊपर वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए और आर क्या है, ट्रू है, आर सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की नहीं, ए और आर दोनों ठीक है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की, ए आर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसमें हमें पता है बोथ द स्टेटमेंट असर्टेन और रीजन क्या है, करेक्ट है, बट आर हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि रीजन है क्या, बिहाइंड दिस असर्टेनेशन इज द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है, सो मैनेजर अप्लाई हिज एक्वायर्ड नॉलेज इन हिज पर्सनल एंड स्किलफुल मैनर। हमें पता है कि जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, डील करता है। तो बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू, कोऑर्डिनेशन क्या है, जरूरत पड़ती है, सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क इन हैंड इन हैंड, कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है ताकि जो प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट है वो काम मिलकर करके करे। रीजन दिया है इसका, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड एफर्ट्स है। तो क्या ये बात सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये कि बोथ ए और आर ट्रू है बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए सही है आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो मेरे हिसाब से क्या है, दोनों ए और आर सही है, क्या है, ए और आर सही है, लेकिन आर जो रीजन है इसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा किसका, ए का, असर्टेन का, क्योंकि बिहाइंड दिस असर्टेन कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब कि बी इज द राइट आंसर, इसका भी कौन सा आंसर सही है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, द एक्टिविटीज ऑफ ईच डिपार्टमेंट नीड टू बी लिंक्ड थ्रू कोऑर्डिनेशन। ठीक है बात भाई, क्या चीज बोला, ठीक है, इंटरलेक्ट करनी चाहिए कोऑर्डिनेशन के द्वारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज को। स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक्स दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवेल्युएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशनल क्राइटेरिया। भाई ये बात भी ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट का इससे तो कोई लेना देना नहीं है, दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन का, असर्टेन का एक्सप्लेनेशन वो गलत है, क्योंकि असर्टेशन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन हैव सेपरेट डिपार्टमेंट, हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो किस पे बांटे गए हैं, फंक्शंस पे, एंड द ऑल डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका मतलब ए और आर सही है, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं भाई, ए और आर दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सही है बात भाई, ए गलत है, गलत है भाई, सही है आर फॉल्स है, ए गलत है भाई, इसमें तो दोनों सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, आउटकम ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल बीन एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रिप्लिकेटेड, मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। भाई बात तो बिल्कुल सही बोली है कि जो आउटकम आते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से वो बीइंग एक्यूरेटली नॉट कैपेबल बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ और ह्यूमन बीइंग्स के साथ, इसलिए अलग अलग आ सकते हैं, सेम उसके जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि नॉट कैपेबल है नहीं है, क्योंकि क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट डील करता है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन में देखना, मैनेजमेंट एंटेल्स द फ्लो ऑफ इनपुट मटेरियल टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दिस इनपुट इनटू डिजायर्ड आउटपुट ऑफ कंजप्शन। बट ठीक है बात भाई, ये तो होता है, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी रिक्वायर्स ए प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इज नॉट इंटरलिंक्ड विद मैनेजमेंट वर्क। भाई इंटरलिंक्ड नहीं है ये तो, है ना, मैनेजमेंट वर्क का भी करता है, पीपल्स का भी करता है, तो करता है ना, तो इसका मतलब इंटरलिंक्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नोट आ गया, तो ये चीज तो गलत है, तो इसमें सही कौन सा बन गया हमारा, ओनली ए इज द ट्रू आंसर, तो सी इज द राइट आंसर, ए स्टेटमेंट सही है और आर क्या है, गलत है। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, जरूरत है कोऑर्डिनेशन की, बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है बात भाई, आगे क्या बोला है, ऑल इंडिविजुअल्स डिफर्स इन देयर हैबिट, वर्क, बैकग्राउंड, अप्रोचेस टू सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप
एंड दे हैव इंडिविजुअल गोल्स। बट दोनों बात तो सही है लेकिन आपस में कलेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए और आर सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है देर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट बेस्ड ऑन फंक्शंस। फॉर द एग्जाम्पल लाइक जैसे कि हम मान सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, मार्केट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, ऑल दीज डिपार्टमेंट्स आर फंक्शनिंग देयर एक्टिविटीज विद देयर ओन ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज वॉलेंट्री बाइंडिंग फोर्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट। भैया ऐसा तो नहीं है इंडिविजुअली वो डिपार्टमेंट में बाइंड करता है। कोऑर्डिनेशन गिव्स द डायरेक्शन टू द विलिंग स्पिरिट, मतलब कि टीम भावना की डायरेक्शन देता है कोऑर्डिनेशन, तो ये बात तो सही है लेकिन बाइंड करता है इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट्स को, ये बात सही नहीं है। तो इसका मतलब ए गलत है आर सही है, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए नहीं एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देते हुए, डी इज द राइट आंसर। डी क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेटिंग बाइंडिंग प्रोसेस है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंटल्स में, बाइंडिंग नहीं है डेलिब्रेटिंग फंक्शंस है, क्या है डेलिब्रेटिंग बाइंडिंग फोर्स है, वॉलेंट्री नहीं है, कैसे है डेलिब्रेटरी, वॉरेंट इच्छा अनुसार तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, इट गिव्स कॉमन फोकस टू एफर्ट ऑफ पीपल विद द डाइवर्स इंटरेस्ट, ये बात भी सही है लेकिन इसका इसके साथ तो कोई ताल ही नहीं बैठ रहा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एक्ट्स एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन पर्पज, किस लिए किया जाता है कॉमन पर्पज के लिए, तो इसका मतलब दोनों ए और आर तो सही तो है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेंथ क्वेश्चन देखना, मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन, हाउ एवर इट डज हैव सम ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। भाई ये तो बात ठीक बोल रहा है लेकिन द एंट्री ऑफ मैनेजमेंट प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द एक्वायरिंग ऑफ डिग्री ऑफ एमबीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, बट देयर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन टू रेगुलेट द मैनेजर। भाई ऐसी बात है, कोई प्रोफेशन नहीं है रेगुलेट करने के लिए मैनेजर्स को, तो ये गलत है। तो इसका मतलब कि ए बिल्कुल सही है, तो ए इज द ट्रू बट आर इज द फॉल्स, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेवेंथ क्वेश्चन, इलेवेंथ क्वेश्चन बोला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अच्छा भाई ये बात भी सही बोल रहा है, मैनेजमेंट मैनेजर्स वर्क्स बेटर इफ देयर प्रैक्टिस आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये बात भी बिल्कुल इससे सही बोली है कि जो मैनेजर है उसका काम अच्छा होगा प्रैक्टिस और ज्यादा करेगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, मतलब कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करेगा तब उसमें क्या आएगा एक्सपीरियंस आएगा, तो मैनेजर क्या करेगा वर्क अच्छा करेगा, तो साइंस में भी और आर्ट्स में भी यही था। तो इसका मतलब बोथ ए और आर सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है किसकी, असर्टेन की, रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्रो मैनेजमेंट द पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड, थ्रो मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। भाई ये बात भी ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएट इंप्लॉय अपॉर्चुनिटी एंड एडोप्ट न्यू टेक्नोलॉजी, ये बात भी सही है लेकिन इसका इसके साथ तो कोई लिंकअप है ही नहीं,
तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? अब हम चलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे किसके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। कुछ क्वेश्चंस हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अकॉर्डिंग देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिविजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। भाई ये बात तो इसने बिल्कुल सही बोल दी बिना किसी भेदभाव के, कि क्या बताता है कि ऑलमोस्ट होना चाहिए बराबर डिवीजन ऑफ वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके बीच में, वर्कर्स के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड सेज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो ये बात भी सही है, लेकिन इसका इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं बैठ रहा, क्योंकि टेलर मैनेजमेंट इज ए साइंस नॉट रूल थंब है इसका। तो इसका मतलब कि कौन सा आंसर होगा इसका, बोथ ए और आर दोनों सही है लेकिन करेक्ट करेक्ट नहीं है। तो इसका कौन सा होगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये किसका बताया, इक्वल डिवीजन, तो ये बताया है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का, तो ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का नहीं है। तो ये अपने आप में तो सही है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर क्या है, सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इवन स्मॉल प्रोडक्शन एक्टिविटीज लाइक लोडिंग पिंक्स ऑफ आयरन इन टू बॉक्स कैन बी साइंटिफिकली प्लान एंड मैनेज। ये बात तो बिल्कुल सही बात बोली है कि लोडिंग पिंक्स ऑफ आयरन, यह है पिंच इन आयरन, पिंच ऑफ आयरन इनटू बॉक्सेस कैन बी साइंटिफिकली प्लान्ड और मैनेजमेंट मैनेज्ड। ये बात सही है। टेलर बिलीव्स दैट देयर वाज ओनली बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ये बात बिल्कुल सही बोला है कि एक मेथड होता है जिससे कि हम काम अच्छे से कर सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है। तो दोनों चीज इसमें बिल्कुल करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी, स्टेटमेंट भी, रीजन भी। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर इज द ट्रू, दैट इज द ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा गिवन है, क्या बोला है देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रोग्रेस प्रोसीजर। द प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल सेज दैट एम्प्लॉय टर्न ओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशियंसी। अच्छा भाई बात, तो इसका मतलब दोनों तो सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फेल क्या बताता है, इफ एम्प्लॉय आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू टू रिग्रेस प्रोसीजर एंड गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट दे वुड नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या नहीं छोड़ेगा वो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, काम करेगा। और जो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, जो उसकी सिलेक्शन की कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट है, वो भी बचेगी। तो इसका मतलब ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोथ ए एंड आर क्या बोला है, इंप्लॉयज डिजर्व जस्ट फेयर रेमुनरेशन बट वट इज जस्ट फेयर इज डिटरमाइंड बाई मल्टीपल फैक्टर्स। दे इंक्लूड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, पेइंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो प्रिविलेज वेजेस रेट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर द कंसिडरेशन। तो ये बात भी सही है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड्स। भाई ये इसका इसके साथ क्या लेना देना है इसका, इसका तो इसके साथ कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कंटिजेंट है, आर डिपेंडेंट ऑन प्रिविलेज सिचुएशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हमें यह पता है। लेकिन इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ए मैनेजर शुड हैव राइट टू पनिश सबोर्डिनेट फॉर विलिंगफुली नॉट ओबेइंग ए लेजिटिमेट ऑर्डर बट ओनली आफ्टर सफिशियंट अपॉर्चुनिटी हैज बीन गिवन टू सबोर्डिनेट फॉर प्रेजेंटिंग हिज और हर केस। तो ये बात तो बिल्कुल
सही है, लेकिन द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज दैट गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल क्लियर फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये बात सही है, लेकिन इसका ऊपर वाले से कोई ताल्लुक बैठा है भाई? कहीं दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है, क्योंकि हमें पता है देयर शुड बी बैलेंस क्या होना चाहिए, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब बोथ ए एंड और आर तो दोनों तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आर किसका, ए का। नेक्स्ट हमारा गिवन है, बोथ द वर्कर एंड मैनेजमेंट, बोथ द वर्कर मैनेजमेंट बोथ ओनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रिजिस टू वर्ड्स वन अनदर। ठीक है बात भाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला था प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी क्रॉप्स सेज दैट मैनेजमेंट शुड प्रमोट ए टीम स्प्रिट ऑफ ए यूनिटी हार्मनी अमंग्स द एम्प्लॉय। ये बात भी अपने आप में सही है, लेकिन ये इसका ऊपर वाले के स्टेटमेंट के साथ बैठा है कुछ? नहीं बैठा, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ क्या चीज, डिसिप्लिन में बताता है कि विच वेन अप्लाइड वुड मीन्स दैट वर्कर एंड मैनेजमेंट बोथ ओनर देयर कमिटमेंट विदाउट एनी प्रिजुडिस टूवर्ड्स वन अनदर। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन ये बताता है, तो इसका मतलब बोथ ए और आर तो सही है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऊपर वाली स्टेटमेंट का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू इस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट कैन बी यूज्ड इन ए सिमिलर सिचुएशन। ठीक है बात भाई, रियल बिजनेस सिचुएशन आर प्रिडिक्टेबल एंड परफेक्ट प्रिंसिपल गिव्स सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। ऐसी बात है भाई? ऐसी तो कोई बात है नहीं, तो आप पहले से कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि सिचुएशन ये होगी और परफेक्ट प्रिंसिपल आप सेट कर दोगे? तो इसका मतलब ए बिल्कुल सही है और आर बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय की बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है 8th क्वेश्चन, फंक्शनल फोरमैनशिप इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन टू द शॉप फ्लोर। ठीक है बात भाई, फोरमैन शुड हैव इंटेलिजेंसी एजुकेशन फैक्ट ग्रीड्स जजमेंट्स एनर्जी एटसेट्रा, इट डिफिकल्ट टू फाइंड दीज इक्वलिटी इन सिंगल पर्सन। ये बात भी सही है, तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9th क्वेश्चन हमारे क्या बोला है, इफ देयर इज ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड गुडविल द वर्कर डेजिस्ट फ्रॉम गोइंग ऑन स्ट्राइक इंस्टेड मेक ट्रेड यूनियन टू कीप देयर डिमांड। अच्छा भैया, ऐसा बहुत हो जाएगा, स्ट्राइक पे चला जाएगा, मतलब आप उसको फ्रीडम दे दोगे, ओपन कम्युनिकेशन दे दोगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी। तो पहली वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म टॉक्स अबाउट द कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो ये बात सही है, तो इसका मतलब ए गलत है, आर सही है, डी इज द राइट आंसर। अगर भाई ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो वर्कर क्या होंगे, ट्रेड यूनियन करेंगे, तो इसका मतलब आप तो किसी को आजादी दे दो तो वो आपके गलत फायदा उठाएंगे, तो ऐसा तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड एंड वर्क असाइंड शुड सूट हिज हर फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी सो दैट देयर इज नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। तो भाई अच्छा भाई, आप ये बताओ, आपकी फेस देख करके, आपकी बॉडी देख करके जॉब दे देते हैं केवी में, और उसके बाद आपको कोई ट्रेनिंग नहीं देंगे, अगले दिन ही क्लास में पढ़ाने के लिए भेज देंगे, ऐसी बात है? तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है, मतलब तो फिर तो इसका मतलब कि पूरी की पूरी जो सुंदर लड़कियां हैं वो चली जाएंगी और जो सुंदर लड़के हैं वो चले जाएंगे, हमारे जैसे गरीब बच्चे क्या रह जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। फिर 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू टेलर इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द लार्ज एक्सटेंट ऑन पर्सनल कॉम्पिटेंसी सो कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ट इन राइट फ्रॉम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये बात बिल्कुल इसने क्या बोली है, सही बोली है, तो इसका मतलब
ए गलत है और आर सही है, दो डी इज द राइट आंसर। ये 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्यूल हैज गिवन प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फ्यूल ने प्रिंसिपल दिया है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है बात भाई, दिया है इसने तो। देयर इज नीड बैलेंस ऑफ सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही करता है, क्योंकि अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ये 12th क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसमें क्या बोला है देखो, यूनिटी ऑफ कमांड विद ऑब्जेक्टिव वन हेड वन प्लान एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा भाई ये बात बता दी, यूनिटी ऑफ कमांड बताता है ये बात, ये कौन बताता है जिसका एक हेड और एक प्लान होगा, कौन सा प्रिंसिपल बताता है। एज ड्यूअल सबोर्डिनेशन इज अवॉइडेड थ्रू द यूनिटी ऑफ कमांड देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क इज टू बी डन। तो 12th का आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, कि दोनों सही होंगे और एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है और आर सही है, इसका आंसर आप दोगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे क्या होगा मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन देने की कोशिश हमारी लगातार रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। थैंक यू, बाय बाय।